नमः शिवाय। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि शुक्रवार कृतिका नक्षत्र दिन में 12:50 तक, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा जिसके नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव हैं। आज पूरे दिन चंद्रमा वृष राशि में ही रहेंगे। आज के जन्मे जातक सुंदर शरीर वाले, बुद्धिमान, कृतज्ञ, मेधावी और सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान पाने वाले होते हैं। ऐसे जातक परोपकारी, सत्यवादी, ईमानदार और संगीत में रुचि रखने वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा और चंद्रमा और शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो ऐसे जातक पूर्ण सफल होंगे। मेष राशि वाले जातक आज दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च अभिलाषी बने रहेंगे। काम करने की क्षमता और उत्साह दोनों बढ़ा हुआ रहेगा। व्यावसायिक कार्य योजनाएं फलीभूत होंगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। संबंधों में निकटता आएगी। वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। वृष राशि वाले जातक आज चुस्त दुरुस्त, स्फूर्तिवान और स्वस्थ महसूस करेंगे। पूरे दिन आपकी कार्य ऊर्जा बनी रहेगी। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। अपने बुद्धि कौशल का इस्तेमाल व्यावसायिक परियोजनाओं में लगाएं। मित्र और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। आपके प्रयास भाग्य की धीमी गति को तेज करने के लिए पर्याप्त होंगे। पारिवारिक अनुकूलता और हर्ष की स्थिति बनी रहेगी। मित्र संबंधियों के समूह में विरोधी बने तत्वों से सावधान रहें। आपका अति विश्वास नुकसानदेह साबित हो सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अपने घर गृहस्थी और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति पर निवेश का योग बना हुआ है। आपका आत्मविश्वास सामने वाले के निर्णय को बदलने में सक्षम रहेगा। अपने अनुरूप व्यावसायिक गतिविधियों को ढालने की क्षमता आपके अंदर बनी रहेगी। आर्थिक मामले में उतार चढ़ाव बना रहेगा। यदा कदा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां संभावित हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। पत्नी पक्ष की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा। आज का दिन अच्छे कामों में खर्च भरा साबित होगा। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा आज अपनी उच्च राशि में चल रहे हैं। आज आपके अंदर आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति भरपूर मात्रा में बनी रहेगी। हर क्षेत्र में सार्थक परिणाम मिलता जाएगा। व्यावसायिक उत्थान और आर्थिक उन्नति का हर मार्ग प्रशस्त रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आज का दिन उत्तम है। संतान के प्रति आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। आर्थिक निवेश के लिए समय अनुकूल है। विरोधियों से सावधान रहें। अति विश्वास हानिकारक हो सकता है। सिंह राशि के लिए सूर्य सतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं जिसके नक्षत्र स्वामी राहु हैं। स्वास्थ्य और निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव बना रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय सावधानी पूर्वक लें। अच्छे कामों में निवेश का योग बना हुआ है। व्यावसायिक सहयोग में किसी महिला की भूमिका का महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। आर्थिक उन्नति का दौर चल रहा है। सामाजिक समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। न्यायालय या वाद विवाद संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है। कन्या राशि के जातक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपके राशि स्वामी बुध छठवें घर में चल रहे हैं। साथ में सूर्य और शुक्र भी हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। पेट में दर्द व जलन की समस्या संभावित है। कार्य व्यवसाय में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मन मुताबिक काम होने का प्रतिशत आधा है। फिर भी धार्मिक भावना बलवती रहेगी। वित्तीय सहयोग मिलता रहेगा। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। वित्तीय निवेश के लिए सही समय उचित नहीं है। पारिवारिक माहौल तनावपूर्ण रह सकता है। माँ दुर्गा की आराधना करें और गाय को घी लगी हुई रोटी खिलाएं।
तुला राशि वाले जातकों के लिए सार्थक प्रयास आपके कार्य ऊर्जा को बढ़ाने में सहयोग करेगा। व्यावसायिक अनुकूलता सामान्य रहेगी। संबंधित यात्रा का योग बना हुआ है। व्यावसायिक गतिविधियों में विरोधियों का हस्तक्षेप हो सकता है। मन में नकारात्मक विचार ना पैदा होने दें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने का समय चल रहा है। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। व्यावसायिक प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक लाभ मामलों में लाभ से ज़्यादा खर्च की स्थिति बनी रहेगी। ससुराल पक्ष से उचित सहयोग मिलता रहेगा। अच्छे कामों में निवेश का योग बना हुआ है। वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। धनु राशि वाले जातक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पानी से संबंधित संक्रमण होने का खतरा सबसे ज़्यादा है। व्यावसायिक उन्नति में सहयोग मिलेगा। बंधु बांधवों का सहयोग आपके लिए बना रहेगा। आर्थिक लाभ आपकी मेहनत के अनुसार ही निर्धारित होगा। व्यावसायिक उन्नति के नए अवसर मिल सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है और समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में चिकित्सकीय परामर्श लेते रहें। मकर राशि के जातकों के लिए आज आपकी कार्य ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ा हुआ रहेगा। आपकी विश्लेषण करने की प्रक्रिया निराली होगी। चंद्रमा उच्च का होकर आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि सकारात्मक कार्य ऊर्जा को बल दे रहे हैं। अपने अनुरूप आप माहौल को बनाने में सक्षम रहेंगे। आर्थिक विकास की दर बढ़ी रहेगी। नई कार्य योजनाएँ फलीभूत होंगी। किसी महिला का सहयोग लाभदायक सिद्ध होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में अनुकूलता बनी हुई है। पारिवारिक माहौल सुखद बना रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक आज हर्ष और प्रफुल्लित महसूस करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। किसी समारोह में शामिल होने और नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। व्यावसायिक उत्थान के लिए समय अनुकूल है। कार्य योजनाएं फलीभूत होंगी। विकास की नई योजनाओं के प्रति आपका निर्णय उचित होगा। वित्तीय निवेश का योग बना हुआ है। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। आपके लगभग हर प्रयास सार्थक होंगे। मीन राशि वाले जातक विरोधियों से सावधान रहें। आपका अतिविश्वास नुकसानदेह स्थिति में ला सकता है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। व्यावसायिक उन्नति में महत्वपूर्ण कदम सोच विचार कर उठाएं। भाग्यवश लाभ की स्थिति बनी रहेगी। अपने मन में नकारात्मक विचारों को जगह ना दें। संतान संबंधी चिंता में सुधार होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता के लिए प्रयास करें। आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी। केले के पौधे में जल डालें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।